She was gradually following all rites of Jewish religion. और धीरे धीरे जो ग्रेटल है यहूदी धर्म के जो सभी परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनका अनुसरण करने लगी। वंश और एक बार डॉक्टर मार्गोलिन रिसीव एन इनविटेशन और एक बार डॉक्टर मार्गोलिन को और इनविटेशन प्राप्त हुआ फ्रॉम ए फ्रेंड, एक मित्र के यहाँ से, जिसका नाम था और एब्राहम मैकेलस जो कि उसका फ्रेंड था, कि यहाँ से एक निमंत्रण प्राप्त हुआ। हु वॉज गोइंग टू और सोलेम नाइज, जो कि करने जा रहा था मैरिज ऑफ हर डॉटर, और जो कि अपनी बेटी का विवाह करने जा रहा था, बेटी का नाम था और सीलिया। डॉक्टर मार्गोलिन बुक्ड ए टैक्सी और डॉक्टर मार्गोलिन ने एक टैक्सी की बुक कराई। एंड जैसा कि देर वॉज हैवी स्नोफॉल एवरीवेयर, जैसा कि स्नोफॉल है, बर्फबारी हो रही थी, एंड इट वॉज रिस्की और ख़तरा था टू ड्राइव इन दी विंटर नाइट, और सर्दी की और नाइट में और टैक्सी को ड्राइव है और करना कैसा था, रिस्की था, जोखिम भरा था, इसीलिए और उसने क्या है कि एक पर्सनल टैक्सी की। दस और इस प्रकार ही बैंटो ब्राउंज विले, और जब है ब्राउंज विले में पहुंचा, और जब है और ब्राउंज विले और गया वेयर, जहां पर थी मैरिज पार्टी वॉज होस्टेड, और जहां पर मैरिज पार्टी का आयोजन हो रहा था। ऑन द वे, रास्ते में डॉक्टर मार्गोलिन ने देखा ए हब, हब का मतलब एक ऐसा स्थान देखा वेयर, जहां पर पीपल वर इंटॉक्सिकेटेड, मतलब है और नशे में एक तरीके से वो थे, वो बेहोश हालत में थे, एंड क्वेरल और वो झगड़ा कर रहे थे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इन फॉल वर्ड्स और गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वो लोग। एनी हाउ और किसी तरीके से ही आफ्टर ऑल रीच एट द पार्टी हॉल, और डॉक्टर मार्गोलिन था पार्टी हॉल में पहुंचा। डॉक्टर मार्गोलिन मैट विद ऑल हिज ओन सेंसीमिनर्स, सभी और सेंसीमिनर्स से वह मिला। कहने का मतलब है कि पोलैंड का एक कस्बा है, और उस कस्बे पर क्या है कि नाजी सेना के द्वारा अटैक किया गया, और जो लोग हैं और उस और आक्रमण में बच गए थे उन्होंने, और न्यूयॉर्क है, आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है और शरण ले लिया था, उन सभी लोगों से मिला, फेलो फ्रेंड्स, अपने साथियों से मिला, एंड रिलेटिव और रिश्तेदारों से वह और मिला।